कोरिया जिले में पीएचई विभाग की बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिले के बैंकुटपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत पोटेडाड़ के आश्रम गांव मदनपुर में एक साल पहले जल जीवन मिशन योजना के तहत बनाई गई पानी की टंकी भरते ही लीक हो गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जिस जगह टंकी बनाई गई उस स्थल का चयन भी गलत हुआ है। ऐसे में टंकी का निर्माण होने से अब ग्रामीणों को पीने का पानी मिलने को लेकर चिंता सता रही है। बताया जा रहा है कि इस गांव में नदी जलाशय सूख चुके हैं, अब ऐसे में यहां पीने के पानी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सर हमारा समस्या ये है कि सर हम पानी बगैर परेशान हैं। ये हमारे पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पर एक बड़ी टंकी बनाई गई थी। ये टंकी सर लीकेज है, यहाँ से सोलर पंप से पानी जब भरा गया तो ये टंकी लीकेज साबित हुई और लीकेज होने के कारण सर हमारे घर तक हमको पानी नहीं मिल पा रहा है। सर घर घर में जो बनाए हैं नल सर वो बस वैसे ही बना दिए हैं, बस पानी नहीं पहुँच रहा है सर, और पानी बगैर हम परेशान हैं सर, और हम चाहते हैं कि हमारे घर तक पानी पहुंचे। यहाँ पानी का बड़ी समस्या है सर, यहाँ दिखावटी 100 पीस बना हुआ है टंकी, इसमें कोई कनेक्शन है ना कुछ नहीं है सर, और यहाँ पानी के लिए बहुत परेशानी हो रहा है सर। दूसरी बात कि यहाँ नदी नरवा में जो पानी है वो भी अब सूखने के लायक हो रहा है सर, और यहाँ कुछ रोड का भी समस्या है सर, रोड उड भी नहीं है, कहीं कहीं है बना हुआ है। तो ये हमारे संज्ञान में आया है एक ग्राम पंचायत मदनपुर में जो अपना ओएसटी बना है, ओवर एक टैंक जो बना है इसमें अभी पानी का रिसाव हो रहा है। इसके संबंध में मेरे द्वारा ईपीएचई को ऑलरेडी निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर जाके कुछ चेक करेंगे, और जो भी उसमें ठेकेदार काम कर रहा है उसे वो रिटर्न में एक जवाब मांगी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद यदि कोई भी इसमें गलती किसी की पाई जाती है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से हम यहाँ से कार्रवाई करेंगे।